हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने आईफोन का डेटा लैपटॉप में वायरलेस कैसे सेंड कर सकते हैं, या फिर लैपटॉप का डेटा मोबाइल में कैसे सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी वायर। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा इसमें एक टर्म कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन ये है कि मोबाइल का और लैपटॉप का दोनों का डेटा सॉरी दोनों का वाईफाई सेम नेटवर्क से होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल का नेटवर्क मैं आपको दिखा देता हूँ, वाईफाई आसू 2.4G से है कनेक्ट हुआ है। और ये मेरे लैपटॉप का जो नेटवर्क है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी आसू की से ही कनेक्ट हुआ है। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने सर्च इंजन में जाएंगे और देन snapdrop.net टाइप करेंगे। ओके दोस्तों, सेकेंड थिंग दोस्तों, सेम वेबसाइट अपने मोबाइल में आप टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये आपको दिख गया, ये कनेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, ये मोबाइल का जो डेस्कटॉप का लोगो दिखा रहा है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि आप फोटो कहाँ से चूज करना चाहते हैं। आप चाहे तो फाइल्स फोटो या आप डायरेक्टली फोटो ले सकते हैं। मैं जैसा कि मैंने चूज किया, आप देख लीजिए ये फोटो है। सपोज ये मेरे फाइल्स के, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने अपना फोटो सेलेक्ट किया देन ऐड कर दिया। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया कि आप इस पर डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे, देन आप लाइब्रेरी से भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फोटो ले भी सकते हैं और फाइल्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे फाइल्स दिख रहा है, देन मैंने सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया। आप देखेंगे ये आपके लैपटॉप में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गया वायरलेस, आपको कोई डेटा केबल यूज़ नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली हो गया। आप इसको सेव कर सकते हैं। ये भी देख, अब देखिए कहाँ पर किस फोल्डर में सेव हुआ है, ये आपका सी ड्राइव में सेव हुआ है। आप डाउनलोड से भी जाकर इस फोटो को निकाल सकते हैं। देन आपको मैं अगेन सिखाऊंगा कि लैपटॉप से कैसे हम इस फाइल को कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे सेम प्रोसेस है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे देन डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे। अगर ये सेम फाइल मुझे अपने मोबाइल में सेंड करना है, सेलेक्ट किया, ये देखिए ये हमारे मोबाइल में तुरंत आपको शो हो जाएगा ये फाइल। अब आप इसको भी सेव करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपको क्या होगा कि आपको डेटा केबल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से लैपटॉप में और लैपटॉप से पीसी मोबाइल में आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।